अगले पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं कि आपकी अन्य शिकायत भाषण की लंबाई को लेकर है। मैंने स्वयं भाषण में ही इस आरोप के दोष को स्वीकार किया है, किंतु इसके लिए वास्तविक जिम्मेदार कौन है? मुझे खेद है कि आपसे देर में संपर्क हुआ, नहीं तो आपको इस बात की जानकारी हो जाती कि मूल रूप से मैंने अपनी ही सुविधा के लिए एक संक्षिप्त भाषण लिखा था, क्योंकि एक विस्तृत शोध प्रबंध तैयार करने का न तो मेरे पास समय ही था और न ही शक्ति थी। मंडल ने ही मुझसे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने का अनुरोध किया था और मंडल ने ही जाति प्रथा के संबंध में प्रश्नों की एक सूची मुझे दी थी तथा मुझसे अनुरोध किया था कि मैं अपने भाषण में इनका उत्तर दूं, क्योंकि प्रायः इन्हीं प्रश्नों को मंडल और उनके विरोधियों के बीच विवाद में उठाया जाता है और मंडल को इसका संतोषजनक उत्तर देने में कठिनाई होती है। इस संबंध में मंडल की इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयास में भाषण इस सीमा तक लंबा हो गया है। जो कुछ मैंने कहा है उसे देखते हुए मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भाषण के लंबा होने का दोष मेरा नहीं है। अब जो दूसरा आरोप जो हर भगवान ने लगाया था कि आपका भाषण बहुत लंबा हो गया, इसको तो कोई सुनेगा नहीं, गर्मी का मौसम है, इतना लंबा भाषण लोग सुनते नहीं है, आपने अपनी बात संक्षिप्त में करनी चाहिए, होता ना कई जगह, लोग अभी भी होता है, लोग बोलते हैं। तो इसके जवाब में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, बल्कि आपके मंडल के लोगों ने आग्रह किया था कि भाई जाति व्यवस्था के ऊपर आप जो है समझाओ, और उन्होंने एक सूची दी थी, बोले लिस्ट दी थी, और ये तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि समाज में जब काम करते हैं तो समाज में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, विरोधियों के प्रश्न आते हैं, जो अपने ही लोग होते हैं उनके भी प्रश्न रहते हैं, उनके भी प्रश्न आते हैं। अब जिसने गहराई से अध्ययन किया है किसी विषय के ऊपर, वही तो उसके हर प्रकार के सवालों का जवाब दे सकता है ना। तो वहाँ वो लोग चर्चा करते होंगे, तो जो उनके विरोधी थे वो लोग भी प्रश्न करते होंगे, तो मंडल के जो कार्यकर्ता है, सदस्य है, तो उनके पास जवाब ही नहीं होगा। जितना जिसका अध्ययन होगा उसी हिसाब से जवाब दे सकता है ना। तो जवाब नहीं होगा तो उन्होंने सोचा कि यार बाबा साहब अम्बेडकर आ रहे हैं और ये उस मामले में विद्वान है, पूरे भारत में जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अध्ययन करते हैं, तो इनको वो प्रश्न सौंप दिए जाए ताकि अपने को भी उसका उत्तर मिले, ताकि अपन फिर समाज में लोगों को जो अपने विरोधी है उनको जवाब दे सके। ऐसा होता है, अपने सीनियर से पूछते हैं या जो जानकार है उस फील्ड में उनसे पूछते हैं प्रश्न। तो मंडल के लोगों ने भी वो लिस्ट दी, तो बाबा साहब को जब वो प्रश्न पूछे गए तो बाबा साहब का भी तो कर्तव्य बनता है ना कि वो जवाब देंगे। तो जवाब देंगे, जब जवाब देंगे तो भाषण तो लंबा होगा ही ना। जब आप प्रश्न करेंगे 10, 15, 20, तो एक प्रश्न का ही जवाब देने में, कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है कि एक प्रश्न का जवाब देने में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है। तो जब प्रश्नों की लिस्ट भेजी तो अगर उसको 5-5 मिनट भी दिया जाएगा तो वो तो लंबा होगा ही। यही बाबा साहब इस तीसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं। अगले पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं, मुझे यह आशा नहीं थी कि आपका मंडल इससे इतना परेशान होगा, क्योंकि मैंने ब्राह्मण धर्म के विनाश की बात कही है। मैं समझता था कि केवल मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि लोगों के मन में कोई गलत धारणा उत्पन्न हो, इसके लिए मैंने इस बात को स्पष्ट करने का भारी प्रयास किया है कि धर्म और धर्म के विनाश से मेरा क्या अभिप्राय है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाषण पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति मुझे गलत नहीं समझ सकेगा। साथ में दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद आपका मंडल मात्र धर्म के विनाश आदि शब्दों से इतना भयभीत हो गया, इससे मंडल के प्रति मेरी श्रद्धा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति किसी को भी कोई श्रद्धा या सम्मान नहीं हो सकता जो सुधारक बनकर भी उस स्थिति के तर्कपूर्ण परिणामों को देखना भी पसंद नहीं करते। इन्हें अकेला ही चलने दो। अभी जो अगला जो पैराग्राफ है, अब इसमें बाबा साहब मंडल की या वो जो हर भगवान है उसकी खिंचाई कर रहे हैं।
खिंचाई खिंचाई करने वाली ये भाषा है कि भाई मैंने कहा कि ब्राह्मण धर्म का नाश होना चाहिए, तो इसका कोई गलत मीनिंग ना निकाले। गलत मीनिंग ना निकालने के लिए मैंने फिर उसमें सारी बातें उसको पूरा विस्तार से बताया है, लेकिन आप तो उससे भयभीत हो गए। यानी आज की भाषा में कहेंगे तो आपकी तो फट गई भाई इतनी बात से। तो जैसे अभी वामन, आज के समय में वामन मेश्राम जिस तरह की बोली बोलता है, बहुत सारे जो नेता है उनकी हिम्मत नहीं होती वैसा बोलने की, फटती है तभी तो नहीं होती ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी डंके की चोट पर बोलने वाले थे, बोलने वाले व्यक्ति थे। तो वो मंडल, चूंकि वो स्वर्णों के नियंत्रण में था, तो वो मंडल के जो कार्यकर्ता है तो उनकी तो फटके हाथ में आ गई जब बाबा साहब ने इस टाइप की बात कही। तो इसलिए बाबा साहब कहते कि आप तो शब्दों से ही भयभीत हो गए, साला काम तो अभी हुआ ही नहीं, शब्द ही बोले, विनाश होना चाहिए, उसी से आप भयभीत हो गए। और फिर ऐसा अगर आप भयभीत हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का समाज में कोई सम्मान नहीं होता जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, हम समाज में काम कर रहे हैं, समाज में काम करेंगे, और जो सत्य है, जो तर्कपूर्ण बात है, जो वाकई में उससे समस्या का समाधान हो सकता है, उस सच्चाई को बताने से भी डरते हैं। काय के सामाजिक कार्यकर्ता सच्चाई बताने से डरते हैं, ऐसे लोगों का समाज में कोई मान सम्मान नहीं होता। अब ये बाबा साहब खिंचाई कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं कि आप मानेंगे कि मैंने अपने भाषण को तैयार करने में किसी भी प्रकार से सीमित होना कभी स्वीकार नहीं किया, और इस प्रश्न पर कि भाषण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मेरे और मंडल के बीच विचार विमर्श नहीं हुआ। मैं सदा यह मानकर चला हूँ कि मैं अपने भाषण में उस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ। वास्तव में 9 अप्रैल को बंबई में आपके आने तक मंडल को यह पता नहीं था कि किस प्रकार का भाषण तैयार कर रहा हूँ। आप जब बंबई आए तो मैंने स्वेच्छा से बताया था कि मुझे इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि मैं दलित जातियों द्वारा धर्मांतरण के संबंध में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मंच का उपयोग करूं। यानी उनके जातपात तोड़क मंडल का जो यूज है उसका यूज मुझे नहीं करना है अपने धर्मांतरण के कार्यक्रम के लिए। मैं वहां सिंपल अपनी जाति व्यवस्था आखिर कैसे समाप्त की जा सकती है इसके ऊपर बात रखूंगा, ये बाबा साहब कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने भाषण को तैयार करने में ईमानदारी से उस वायदे को निभाया है। अप्रत्यक्ष रूप से एक सरसरी तौर पर दिए गए इस संदर्भ के अलावा कि मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा आदि, मैंने अपने भाषण में विषय के बारे में कुछ नहीं कहा। जब मैं यह देखता हूँ कि आपको इस प्रकार के सरसरी और इतने अप्रत्यक्ष संदर्भ पर भी आपत्ति है, तो मैं यह प्रश्न पूछने के लिए बाध्य हूँ कि क्या आपने यह सोचा है कि मैं आपके सम्मेलन की अध्यक्षता करने के खातिर दलित वर्गों द्वारा धर्म परिवर्तन संबंधी अपने विचारों को छोड़ने या स्थगित रखने के लिए सहमत हो जाऊंगा। यदि आपने ऐसा सोचा है तो मैं आपसे कहूंगा कि यह आपकी भूल है और इसके लिए मैं किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हूँ। यदि आप में से कोई इस बात का संकेत भी कर देता कि आप मुझे अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे धर्म परिवर्तन के अपने कार्यक्रम में अपने विश्वास का त्याग करना पड़ेगा, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता कि मुझे आपके द्वारा दिए जाने वाले किसी सम्मान की अपेक्षा अपने विश्वास की कहीं अधिक परवाह है। अब इस पैराग्राफ में बाबा साहब अम्बेडकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अब उनका क्या कहना है बाबा साहब का कि इतना लंबा भाषण हो गया या ये हो गया वो हो गया, तो मैं अध्यक्षता अगर कर रहा हूँ तो मैं अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। आप बोलने वाले कोई नहीं होते कि क्या विचार रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, मैं अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। और फिर भी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको क्या ऐसा लगता है,
अब उनको उन्होंने क्या सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर को अध्यक्षता दी थी जात पात तोड़क मंडल की, ये बाबा साहब स्पष्ट कर रहे। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अध्यक्षता मुझे दे रहे हैं तो अध्यक्षता के करने के खातिर मैं धर्मांतरण के विषय को छोड़ दूंगा, मैं अपने निर्णय को छोड़ दूंगा, या आपने विश्वास मुझे जिस सिद्धांत पर विश्वास है उन सिद्धांतों को छोड़ दूंगा, क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा डांट फटकार लेटर में किया बाबा साहब ने। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत है और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इसमें आपकी गलती है। अगर आप पहले ही अगर ऐसा मुझे अगर कहीं से अगर ऐसा संकेत मिलता, पता चल जाता कि इस उद्देश्य के लिए आप अध्यक्षता दे रहे हैं, तो मैं तो कब का मना कर देता। तो बाबा साहब ये जो इस पेरा में जो बात की है, ये बात समझनी पड़ती है, आखिर सामने वाला क्या चाहता है। तो वो तो धार्मिक मुद्दे पर बाबा साहब ना चले, हम आपका साथ देने को तैयार है, आप अध्यक्षता करिए, इतना बड़ा संगठन है, ये है वो, ये तो लालसा देने का कार्यक्रम हो गया एक तरीके से, पद की माइक की लालसा, अध्यक्षता करने की लालसा, ऐसा देने का कार्यक्रम हो गया। तो बाबा साहब कोई पिघलने वाले आदमी तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने ये षड्यंत्र करने का प्रयास किया। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को धर्मांतरण की घोषणा की तो गांधी जी हड़कंप मच गया, देश में हड़कंप मच गया। तो घेरने का ये सारा प्लान था, और वही बात फिर हुई, उन्होंने आपत्ति बताई। वो आपत्ति कोई, वो मुझे नहीं लगता कि हर भगवान की वो कोई बात है, या संत राम की, ये तो शेड्यूल कास्ट के लोग थे जो इनके पीछे जो है ना संचालित करने वाला, ये उनका किया धरा है। और बाबा साहब जो जवाब दे रहे ना, ये भी उन्हीं के लिए है, ये तो मोहरे है हर भगवान और संत राम। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया कि आपकी अध्यक्षता के खातिर मैं अपना सिद्धांत छोड़ने वाला हूं नहीं। अब अगले पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं,